झांसी के सभी समस्त नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेश प्रजापति पीताम्बरा टाइल्स थापा बाग से आपके घर को सजाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के टाइल्स वगैरह का आप लोगों को रिक्वायरमेंट होता है उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये हमारा शोरूम है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, सैनिटरी आइटम वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। बीते 1 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के सैयर गेट में वसीम नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक पुलिस मात्र एक ही व्यक्ति को पकड़ पाई है। दरअसल वारदात के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने सूत्रों की मदद से एक आरोपी जाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इसके बाद भी अभी 3 अन्य आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिसको लेकर आज पीड़ित परिजनों ने एसएसपी के पास पहुंचकर जल्द तीनों आरोपियों रुबीना, शाकिर व जाकिर को गिरफ्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि तीनों आरोपियों से उनके परिवार की जान को खतरा बना हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों के लाइसेंस असलहे निरस्त करने व आरोपियों की संपत्ति को जब्त करवाने की भी मांग की है। ज्ञापन मिलने के बाद एसएसपी ने बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। आज क्या शिकायत पर दिया? शिकायत ये दी थी कि जो है 1/11/2020 को वसीमपुर ऐसे का जो मर्डर हुआ था, उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था, जायद और पप्पू, बाकी 3 अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया गया था, जिन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है कि 48 घंटे के अंदर मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे। आज किसको शिकायत पर दिया? एसएसपी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। क्या आश्वासन दिया है एसएसपी साहब ने? एसएसपी साहब ने बोला है कि 48 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार हो जाएंगे मुलजमान। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आज, क्या शिकायती पत्र दिया? शिकायत ये बोली भाई कि पप्पू जायद और पप्पू कुरैशी जो है मतलब अरेस्ट हो गए हैं और 3 जो है फरार हैं, अभी तक 18 दिन हो गए हैं। क्या मामला था, क्या घटना थी? घटना ये हुई कि मतलब कि बालू को लेकर जायद और पप्पू ने मतलब मेरे वसीम कुरैशी भाई को गोली मार कर हत्या कर दी है, जिसमें 3 लोग जो थे वो और अभी तक फरार हैं। मतलब चारों का भी मतलब चारों का पूरा प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। आज क्या प्रार्थना पत्र दिया कप्तान साहब? आज प्रार्थना पत्र ये दिया कप्तान साहब को, और कप्तान साहब ने ये कहा है कि आपका जो काम है 48 घंटे में आपको मुजरिम मिलेंगे, मिल जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। आश्वासन दे दिया कप्तान जी। जी आश्वासन दिया। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।